मिलिए पाकिस्तान की आयरन लेडी से। जिंदा लाश में जान भर देने वाली है इनकी कहानी। मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। वो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर हैं। ब्रिटिश समाचार संस्था बीबीसी ने साल 2015 में उन्हें अपनी 100 वुमन सीरीज में शामिल किया था। फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2016 में 30 साल से कम उम्र की दुनिया की 30 शख्सियतों में शुमार किया था। 3 मार्च 1987 को जन्मी मुनीबा की कहानी किसी भी इंसान के लिए प्रेरणादायक है। आपको हैरत होगी कि आज दुनिया जिस मुनीबा को जानती है उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। मुनीबा अपाहिज हैं, व्हीलचेयर के सहारे चलती हैं। महज 20 की उम्र में एक कार हादसे में उनके कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाईं। मुनीबा ने ये सारी कहानी एक कार्यक्रम में खुद ही बयान की। मुनीबा का जन्म एक बलोच परिवार में हुआ था। मुनीबा बचपन में पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी था। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के कहने पर इच्छा न होने के बावजूद शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। शादी के 2-3 साल बाद ही वो दुर्घटना हो गई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मुनीबा ने बताया कि उनका पति कार चलाते हुए सो गया और गाड़ी के बेकाबू हो जाने के बाद वो खुद बाहर कूद गया। मुनीबा कार के अंदर रह गई। दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुई। 2.5 महीनों तक अस्पताल में रहने के दौरान जब वो बाहर आईं, तो पहले की तरह वो अपने पैरों पर खड़ी होने लायक नहीं थीं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अब कभी माँ भी नहीं बन सकेंगी। मुनीबा पैरों के बेजान होने से ज्यादा माँ न बन पाने की बात से दुखी हुई। विकलांग हो जाने के बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। जिंदगी में आई इन बड़ी मुसीबतों से हौसला हारने के बजाय उन्होंने तय किया कि वो पेंटिंग का अपना शौक पूरा करेंगी। उन्होंने रंग और कूची मंगाई और अपनी सारी भावनाओं को रंगों और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने लगी। मुनीबा ने व्हीलचेयर पर होने के बावजूद मॉडलिंग भी की। वो गाना भी गाती हैं। वो महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने में भी आगे रहती हैं। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। अब मुनीबा एक बेटे की माँ भी हैं। उन्होंने एक बच्चे को गोद भी ले लिया है। उनकी कहानी उनकी जबानी सुनकर हताश निराश दिलों में आशा की नई किरण जगमगाने लगती है।